आइए आज जानते हैं कि कैसे इन मासूम से कीड़ों को उबालकर रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। सबसे पहले अंडों से निकले हुए रेशम के कीड़े के बच्चों को लगातार 42 दिन तक सहसूत के पत्ते खिलाए जाते हैं। फिर जब ये कीड़े बड़े हो जाते हैं तब इन्हें एक लकड़ी के फ्रेम में 3 से 8 दिन तक रखकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हर एक कीड़ा अपनी लार से लगभग 1000 फीट लंबा धागा बनाता है। फिर जब एक बार ये अपना काम पूरा कर लेते हैं तब इन्हें वहाँ से निकालकर 15 मिनट तक गर्म पानी में उबाला जाता है, जहाँ सभी कीड़े तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देते हैं और इनसे निकलने वाले धागे को एक मशीन पे चढ़ा कर गिट्टे बना लिए जाते हैं। उसके बाद इन धागों से सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है और एक साड़ी बनाने में तकरीबन 10,000 कीड़ों को उबालकर मार दिया जाता है।